ये लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बी एक काम को निश्चित समय में करता है और इसके 3/4 समय में आधा काम करता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार आपका रिपीटेड है, बहुत बार आप भी खुद पूछे मेरे से। बड़े प्यार से समझाते हैं। देखो ए और बी की बात कर रहे हैं। ए बताओ, ए जो काम करता है वो बी के मुकाबले 3/4 समय में करता है। इसका मतलब ये 1 घंटा में करता है तो ये 3/4 घंटा में करता है। अच्छा, ये 3/4 घंटा में कितना काम करता है? तो ये काम करता है आधा। तो इसको अगर पूरा काम बताओ, आधा तरबूज अगर 1 घंटे में, तो पूरा तरबूज खाने में 2 घंटा लगेगा, दुगना तरबूज हो गया ना। तो वैसे आधा अगर इतने में, तो पूरा का पूरा तरबूज खाने में इसको दुगना समय लगेगा, और दुगना का मतलब 3/2 समय लगेगा, और इधर कितना लग रहा है? 1। अब बताओ अगर ये 3/2 और ये 1 का रेशियो, तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यहां 3 और यहां कितना? 2। ये किसका अनुपात हो गया? समय का। आप आराम से क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, यहां तक समझना बहुत ईजी है। अगर समय पता चल गया तो कार्य क्या होगा? तो 2:3 होगा। अब इस कार्य को हम लोग कार्य में रख सकते हैं। कैसे? तो ये देखो, ए बराबर बी बराबर और ए प्लस बी बराबर। ए का डाटा, ए प्लस बी का डाटा, यहां से आप एलसीएम लेंगे, देखिए क्या बनने वाला है। यहां से हम कह सकते हैं कि इस काम को यहां रखते हैं। ए का काम कितना? 2। बी का काम कितना? 3। दोनों का काम कितना? 5। आपसे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में समाप्त करें, तो दोनों मिलकर 18 दिनों में अगर समाप्त करता है, तो यहां से 18 18 25 90, इसका टोटल काम 90 दिखाने लगा। अगर ए के लिए पूछा तो 90/2, बी के लिए पूछा तो 90/3, और आपसे पूछा है कि बी इस काम को, तो आंसर हो जाएगा 90/3। 90/3 का मतलब 30 दिनों में। हो गया जी, फिनिश क्वेश्चन।